मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल मुंडा। नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। नगरपालिका नवाबगंज के अध्यक्ष पद की सीट पर जनता किसको चुन के लाएगी और नवाबगंज नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कौन आसीन होगा, इसी श्रृंखला में एक बार फिर से मैं नवाबगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए एक दावेदार और भी हैं जिनका नाम अल्पना सिंह जी है। उनसे कुछ वार्तालाप एपेक्स न्यूज़ इंडिया के द्वारा होगी और जनता तक क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को लेकर वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, दर्शकों तक उन मुद्दों को मैं पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ इस नगरपालिका के चुनाव की जो दावेदारी होने जा रही है, जनता किसको चुनकर अध्यक्ष पद का सीट प्रदान करेगी और किसका राज तिलक करेगी, आइए एक रिपोर्ट दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अल्पना सिंह जी हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप तक इनकी बातों को मैं पहुंचाता हूं, आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं श्रीमती अल्पना सिंह नगर पालिका से चुनाव लड़ रही हूँ, अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। आज नगर पालिका की सीट के लिए कई दावेदार नवाबगंज में लड़ रहे हैं, आपका कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आम जनमानस के लिए सर्वोपरि होगा और किन मुद्दों को लेके आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहला तो मेरा मुद्दा यही होगा कि नगर की साफ सफाई, क्योंकि आज मैं हर वार्ड में निकलती हूँ तो कोई ऐसा एक घर नहीं है जहाँ लोग बीमार ना हो, कहीं बच्चे बीमार, कहीं बूढ़े बीमार, डेंगू फैले हैं, मलेरिया फैले हैं। तो मैं यही चाहूंगी अगर जिस दिन मुझे जनता चुन के लाएगी, सब प्रथम काम मेरा यही रहेगा, मैं नगर का सफाई रखूंगी ताकि मेरी जनता स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। अगर जनता स्वस्थ है और नगर स्वच्छ है तो सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही होगा। दूसरा काम है कि जो मेरी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, हमारे नगर में आप देख रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पति भी नहीं हैं, तो मैं उनके लिए सरकार से जो योजना आ रही है उन तक नहीं पहुंच रही है, उन तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। गरीब महिलाओं को जो योजना शासन द्वारा लाऊंगी उनको मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, उन तक पहुंचा तक। और जो भी शासन प्रशासन से योजना आएगी मैं उसको जन जन पहुंचाना चाहती हूँ। ये नहीं कि मेरे कुछ पाए कुछ नहीं पाए, हमारे लिए तो सब जनता एक जैसी है, मैं उसको जन जन पहुंचाऊंगी। और रही बात जब मैं नगर में निकलती हूँ तो बहुत ऐसे जनता है जो मुझसे कहते हैं जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं ठीक है, अंधेरा रहता है, तो लोग कहते हैं कि भाभी यहाँ गली में बहुत अंधेरा रहता है, तो मैं उस पे भी प्रयास कर रही हूँ कि अगर मुझे जनता चुनके लाएगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो आपने लाइट की व्यवस्था बताई, ये कौन सी लाइट की बात आप कर रहे हैं? लाइट पहले जो था सौर ऊर्जा था, तो गली गली में लगा था, तो लोगों को अंधेरे में आने जाने, जैसे ठंडी की रात है तो ठंडियों में जो लोग ड्यूटी से छूट रहे हैं या मजूरी करके छूट रहे हैं, तो जिनका घर गली में है लाइट भी चली जाती है, ये जो आप नगर पालिका की तरफ से, तो उनका यही कहना है कि भाभी हम लोगों को भय है, अंधेरा रहता है, तो मैं लाने का प्रयास करूंगी। अगर जनता मुझे चुन के लाएगी कुर्सी पे तो मैं प्रयास करूंगी, ये भी मेरा वादा है। और कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं? जैसे कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि भाभी मैं इसकी पात्र थी और ये योजना मुझे नहीं मिली, मेरे घर शौचालय नहीं है और छत भी नहीं है, तो मैं देखती हूँ तो मुझे सही लगता है कि ये मिलने की पात्र थी
और इसको ये योजना नहीं मिला। एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्योंकि क्षेत्र में आप निकली, लोगों ने आपसे बातचीत की, आम जनमानस के लिए जिस तरीके से अभी तक मैंने बात की, तो आम जनमानस की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर जी आपने बेबाकी से खैर मुझे सारी चीजें बताई। और सत्य है कि क्योंकि आम जनमानस जब किसी को नगरपालिका अध्यक्ष की सीट प्रदान करता है जी, तो वो भी चाहता है कि जिसको आज मैंने जो है अपना बहुमूल्य वोट प्रदान किया है, उनको मैंने सीट पे बिठाया है जी, वो मेरा सहयोग करे, मेरी समस्याओं को समझे जी, और समय समय पे जब भी हमारी कोई समस्या हो उसका निराकरण करे। आप जिन समस्याओं को जनता आप तक लेके आएगी, किस तरीके से आप उसका निराकरण करेंगी, थोड़ा सा आप हमें और हमारे दर्शकों को इस बारे में भी बताएं। मैं अपने नगर का सौंदर्यीकरण करना चाहती हूँ, जैसे पार्क है, बहुत ऐसे तालाब हैं जो वहाँ पे सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, उसका करना चाहती हूँ। और खास तौर पे जो महिलाएं हमारी हैं उनको मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी हाल में। मुझे ये पीड़ा उनकी कई वर्षों से दिख रही है, लेकिन मैं पावर में नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं, क्योंकि मेरे पास कुर्सी नहीं है। अगर जनता चुन के लाएगी तो सबसे पहले उन महिलाओं की मैं पीड़ा हरने की कोशिश करूंगी, उनको अपने आप में उनको पहचान उनका बनेगा, उनको सबल बनाऊंगी, उनको मजबूत बनाऊंगी। लेकिन जब जनता हमें चुन के लाएगी, मैं जनता के लिए यही कहना चाहूंगी कि अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो मैं 24 घंटा जनता के हर दुख सुख में साथ निभाऊंगी, उनके दुख सुख में खड़ी रहूंगी, और मेरा दरवाजा 24 आवर्स उनके लिए खुला रहेगा। मैं जिस भी लायक रहूंगी, जैसे भी कर पाऊंगी, मैं जनता के साथ हूँ, उनके दुख सुख में साथ निभाऊंगी। तो आपने देखा कि अल्पना सिंह जी ने बड़ी बेबाकी से सारे मुद्दों को चैनल के माध्यम से आप तक, आपके सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो एक आम महिला हैं और अगर जनता उनको अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करके अध्यक्ष पद की कुर्सी प्रदान करती है तो वो 24 आवर्स जनता के बीच में रहकर उसकी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि नवाबगंज की का सौंदर्यीकरण वो करना चाहती हैं। काफी ऐसे मुद्दे बताए उन्होंने कि जिनको लेकर वो नगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, और बड़ी बेबाकी से भी उन्होंने सारे मुद्दों को दर्शकों तक पहुंचाया। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवीपाटन मंडल, गोंडा।